हाय फ्रेंड्स, क्या आपके बाल बहुत ही ऑयली है? क्या आपके बालों में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है? क्या आपके बाल बिल्कुल भी बाउंसी नहीं है? अगर हाँ, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है। यस, सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाक एवन बियर शैम्पू रिव्यू। एंड आज की ये वीडियो हमारे प्यारे प्यारे बॉयज एंड हमारे प्यारे प्यारे मेल सब्सक्राइबर्स के लिए तो बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मैं जयपा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द जैस्मिन। सो चलिए हम अपने वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर ये शैम्पू के बॉटल को देख सकते हो। एंड इसे देखकर सबसे पहले वो वाव वाली फीलिंग आती है कि नहीं? मुझे पता है कि बहुत से लोगों के मुंह में तो पानी पानी आ गया होगा। लाइक एकदम सेम टू सेम बियर की बॉटल की तरह ये शैम्पू की बॉटल दिखती है। मुझे तो इसका पैकेजिंग भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका पैकेजिंग दिखा देती हूँ। तो गाइज, एज यू कैन सी, आप लोग देख सकते हो कि आपको इस तरह से ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में ये शैम्पू की बॉटल मिलने वाली है। एंड इसके शेप की मैं बात करूँ तो बिल्कुल जो बियर की बॉटल आती है उसी तरह का इसका शेप है। सो पैकेजिंग देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर पाक एवन का लोगो एंड नीचे लिखा हुआ है मेड फ्रॉम रियल बियर। एंड ऊपर इस तरह से आपको इसका कैप दिया गया है जिसको ओपन करके ये जो होल है वो भी काफ़ी छोटा है। सो आप जितनी क्वांटिटी में लेना चाहो आराम से ले सकते हो। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पाक एवेन्यू बियर शैम्पू स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है। सो मैंने एंटी डेंड्रफ वाला वेरिएंट परचेस किया है। पीछे की साइड देखें तो आपको एक क्वांटिटी, सो ये 350 ml की बॉटल है। आपको इसमें छोटी साइज़ भी अवेलेबल हो जाएगी एंड बड़ी साइज़ भी अगर आप लेना चाहो तो मिल जाएगी। MRP, देन उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो गाइज, आप लोगों ने इसका पैकेजिंग तो देख लिया है। अभी इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो इसकी MRP है 260 पर 350 ml। एंड ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था। सो ये आराम से मुझे अराउंड 185 के आसपास मिल गया था। एंड अभी भी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लोग भी परचेस करना चाहते हो तो अमेजोन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो आप लोग डायरेक्टली वहाँ से परचेस कर सकते हो। इसकी शेल्फ लाइफ की मैं बात करूँ तो आप लोग इसे 3 साल तक यूज़ कर सकते हो। एंड ये शैम्पू का जो मेन टारगेट जेंडर है ना वो मेल है, बट हम फीमेल भी इसे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस की मैं बात करूँ तो आप इसके दिखावे पर बिल्कुल मत जाना। हाँ, ये रियल बियर से बना है बट इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी बियर जैसी नहीं है। एकदम लाइक नॉर्मल जो शैम्पू होती है उसी तरह की इसकी स्मेल है। हाँ, थोड़ी बहुत एकदम हल्की सी आपको बियर की स्मेल आएगी। एंड इसकी थिकनेस की मैं बात करूँ तो यस, ये आपको एकदम लिक्विड फॉर्म में अच्छी खासी थिकनेस, इतनी भी लाइक वाटरी नहीं है, अच्छी खासी थोड़ी बहुत क्रीमी थिकनेस है इसकी। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका कलर एकदम हल्का सा येलो कलर है। इसकी थिकनेस भी आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो। एंड इसमें आपको टोटल 4 वेरियंट्स मिलने वाला है, एंटी डेंड्रफ, हेयर फॉल कंट्रोल, देन डैमेज फ्री, शाइनी एंड बाउंसी हेयर के लिए। सो मेरे पास है एंटी डेंड्रफ वाला वेरियंट क्योंकि मुझे डेंड्रफ की प्रॉब्लम हो चुकी थी। सो मैंने इसे परचेस किया था। इसे यूज़ करने के बाद ऑलमोस्ट मेरे डेंड्रफ तो गायब हो गए हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। एंड इसको यूज़ करने के बाद मेरे बाल भी एकदम बाउंसी हो जाते हैं। बट मैं आपको एक बात बोलूँगी कि अगर आपके बाल ज़्यादा ऑयली है ना तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर आपके बाल ऑलरेडी ड्राई है, ऑलरेडी फ्रीजी है तो आपको इसे यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके बालों को ज़्यादा बाउंसी बना देगा, आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ाता है। सो अगर आपके बाल ऑलरेडी ड्राई हो गए ना तो आप के बाल और ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी इसके फीचर्स की मैं बात करूँ तो कंपनी बोलती है कि ये रियल बियर से बना है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि बियर हमारे बालों को शाइनी बनाता है, बाउंसी बनाता है, हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसका मेन बेनिफिट आपको वहाँ होने वाला है कि बियर में जो भी नेचुरल अमीनो एसिड होता है ना वो हमारे बालों के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। अमीनो एसिड जो होता है वो हमारे बालों को शाइनी बनाता है एंड हमारे बालों को डैमेज होने से रोकता है। एंड बाकी के जो केमिकल वाले शैम्पू होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे बालों में जो नरिशमेंट होता है ना पूरा उसको ही छीन लेते हैं। सो हमारे बाल ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको ये शैम्पू में बिल्कुल भी नहीं। और फिर बियर में जो माल्ट एंड बार्ली होता है वो भी हमारे बालों को शाइनी बनाता है, हमारे बालों का वॉल्यूम बढ़ाता है, हमारे बालों को बाउंसी बनाता है। सो इसमें आपको ये सारे बहुत अच्छे खासे फायदे होने वाले हैं। अभी मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं इसे 2 महीने से यूज़ करी हूँ। सो मुझे डेंड्रफ प्रॉब्लम थी एंड मैंने एंटी डेंड्रफ वाला वेरियंट परचेस किया था। सो मेरे डेंड्रफ में तो मुझे बहुत ही हद तक फर्क पड़ा है, बट मेरे बाल भी बहुत ही बाउंसी हो जाता है जबकि इतने बाउंसी हेयर की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे बाल में नेचुरली बाउंस है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जिनके बाल बहुत ही ऑयली रहते हैं
जिनके बालों में कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई बाउंस नहीं है, तो वो लोग डेफिनेटली इसे 100% ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। एंड यहाँ पर शैम्पू की बात आती हो, तो शैम्पू करने से पहले आपको क्या करना है, किस तरह से यूज़ करना है, उसके ऊपर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप कोई भी शैम्पू ले लो, ज़्यादातर शैम्पू में केमिकल्स तो हो गई है ना, इसमें भी केमिकल्स है ही। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि ये 100% नेचुरल शैम्पू है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको यूज़ करने से पहले सबसे पहले तो अच्छे से इसे शेक करना है। देन आपको आपकी हेयर लेंथ के हिसाब से थोड़ी सी क्वांटिटी में शैम्पू लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इस तरह से आपको शैम्पू को डायल्यूट कर देना है। डायरेक्टली आपको अपने हेयर पर अप्लाई नहीं करना है, उससे क्या होगा कि आपके हेयर ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, ज़्यादा फ्रीज हो जाएगी। एंड यू नो गाइज, मुझे इसकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, ये शैम्पू भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलने वाला है। सो कई बार कई सारे शैम्पू में क्या होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता है, बट ये शैम्पू में बहुत ही स्मॉल अमाउंट आपकी जाएगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो एकदम स्मॉल अमाउंट लेनी पड़ेगी एंड स्मॉल अमाउंट में आपको बहुत ही अच्छे खासे जाप मिल जाएगी। सो आप जब भी यूज़ करने बैठोगे ना, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आपका काम हो जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की ये वीडियो खत्म होती है। आई थिंक आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल द जेम्स माइंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।